जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों हमने एक आज नई रिपोर्ट लेकर आए हैं, वह रिपोर्ट है जो कि रीगा रेलवे स्टेशन से होने वाली है और यहां से हम आपको दिखाएंगे रेलवे स्टेशन पर से कि इलेक्ट्रिफिकेशन काम किस स्थिति में चल रही है। दोस्तों इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों सीतामढ़ी रक्सौल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का यह चौथी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके बारे में हमने तीन ऐसे वीडियो डाल चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया था कि बैरगनिया रेलवे स्टेशन तक कैसे जो है कि काम पूर्ण हो चुका है और आगे की तैयारी की जा रही है रक्सौल रेलवे स्टेशन तक की, जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा करना है। दोस्तों यह छोटी सी रिपोर्ट है जो कि रीगा रेलवे स्टेशन से है और यहाँ से भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से काम हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन का। सीतामढ़ी और तपस्वी नारायण नगर हॉल्ट वहाँ के बीच में थोड़े से फेज का काम बाकी है, लेकिन तपस्वी नारायण नगर हॉल्ट से बैरगनिया रेलवे स्टेशन तक हमने देखा कि सारी काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन का। जो भी कुछ भी बचा हुआ काम था उसको चंद दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों इस बार जो लक्ष्य रखा गया था कि जून माह के अंत तक जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर लेना है, परंतु यह असंभव दिख रहा है, यह असंभव सा दिख रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक हो सकता है कि यह इलेक्ट्रिफिकेशन जो रक्सौल से सीतामढ़ी का जो पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाली यह रूट जो कि दिसंबर माह तक संभव हो सकता है। दोस्तों यह छोटी सी रिपोर्ट राहुल कुमार के द्वारा भेजा गया है और उन्हीं के द्वारा यह छोटी सी रिकॉर्ड जो कि रीगा रेलवे स्टेशन के यह स्वरूप देख लीजिए कि किस प्रकार से यह FOB का काम भी अधर में लटकी हुई यहाँ पर रीगा रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर FOB भी जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है और यहाँ पर यात्रियों को एक से दो प्लेटफॉर्म जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, परंतु इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जहाँ तक कि होने वाली है वह पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है और हमें जहाँ तक जानकारी है वहाँ से घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन तक वायर खींचा जा चुका है। लेकिन हम आपको आगे का भी रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे घोड़ा सहन से रक्सौल तक की, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही साथ इसे नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर ले ताकि आने वाले समय में जितने भी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वीडियो होगा वो सबसे पहले जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यह छोटी सी रिपोर्ट से उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से यह जानने में मदद मिली होगी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। उम्मीद करता है कि आपको यह वीडियो भी काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।